हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने दो आदमियों को जमकर पीटा। दावा किया गया कि पीटे जाने वाले लोग शराब पीने के बाद हाथ में तलवार लेकर हंगामा कर रहे थे और रास्ते से आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दो लोग हाथ में तलवार लेकर हंगामा करते दिखे। इस दौरान दोनों ने वहां से गुजर रहे एक ऑटो को रोक लिया और उसमें तोड़फोड़ करने लगे। इस बीच वहां मौजूद महिलाएं दोनों लोगों को समझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो लगातार हंगामा करते रहे। दोनों की हरकतों से परेशान होकर कुछ लोग डंडा और बैट लेकर वहां पहुंचे और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच एक लड़के ने लाल टी शर्ट पहने एक आदमी की डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो सड़क के किनारे ही गिर गया। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए और बीच बचाव की कोशिश करने लगे। वहीं स्पॉट पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया। फुटेज देखने के बाद आरोपियों का पता लगते ही अरेस्ट करेंगे उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वाले दोनों बदमाशों को पकड़ने का दावा किया। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में रैली की, जहां उन्होंने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इससे पहले राहुल जब रैली के लिए पहुंचे तो वहां कई कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े थे। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ वहां पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तभी एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को शिव की एक प्रतिमा भेंट की। राहुल ने तीन चुनावी रैलियां संबोधित की, जिसमें से एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में भी थी। राहुल गांधी ने रैली में लोगों के सामने पनामा पेपर लीक मामले में शिवराज सिंह के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की गलती मानी, लेकिन कई दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप गिनाते हुए उन्होंने शिवराज सिंह को चुनौती दे दी। शिवराज चौहान जी, आपसे एक सवाल, मैं व्यापम की बात करता हूं, मैं ई टेंडरिंग की बात करता हूं, मैं इलीगल माइनिंग की बात करता हूं, मैं मिड डे मील की बात करता हूं, जब मैं इनकी बात करता हूँ आप डिफेमेशन की बात क्यों नहीं करते? मतलब इनमें सच्चाई है। राहुल ने इसके अलावा मध्य प्रदेश में दो और रैलियां की, लेकिन बुधनी में उनका शिवराज सिंह चौहान को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना अहम है, क्योंकि बुधनी को सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है और शिवराज सिंह चौहान बुधनी से ही पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहली बार 1990 में बुधनी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जबकि 2013 में इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र सिंह चौहान को 84,000 मतों से हराया था। हालांकि इस बार कांग्रेस ने उन्हें टक्कर देने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को मैदान में उतारा। कनाडा में टोरंटो के पास भारतीय मूल के एक व्यापारी के गहनों के शोरूम में लूट की कोशिश को वहां के कर्मचारियों ने नाकाम कर दिया। इस दुकान में चार लुटेरों ने हमला बोल दिया था, लेकिन फौरन ही शोरूम के कर्मचारियों ने तलवारें निकाल ली और उन्होंने लुटेरों पर धावा बोल दिया। इससे पहले शोरूम में एक महिला कस्टमर एक कर्मचारी से बातचीत करती नजर आई। कुछ ही देर में चेहरे पर कपड़ा बांधे कुछ लुटेरे शोरूम का शीशा तोड़ने लगे। उनमें एक बदमाश के पास गन भी थी। शीशा तोड़ने के बाद एक बदमाश शोरूम में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी शोरूम में हमला होते देख तीन कर्मचारी हाथों में तलवार लेकर पहुंच गए। अचानक हुए हमले से सभी बदमाश डरकर बाहर निकल गए। शोरूम में लूट की कोशिश का वीडियो बाहर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें बदमाश तलवार से हुए हमले की वजह से जान बचाते नजर आए। थोड़ी देर बाद ही सभी लुटेरे भाग खड़े हुए। शोरूम में लूट की कोशिश और तलवार से बचाव का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची और घुमावदार पहाड़ियों पर सलमान खान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने साइकिल की सवारी की। सलमान खान अरुणाचल प्रदेश के मशहूर मिचुका फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू के साथ साइकिल रेस में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी रास्तों पर हुई रेस में कई खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस रेस का उद्घाटन सलमान ने ही किया और किरेन रिजिजू और पेमा खांडू के साथ 10 किलोमीटर की रेस भी पूरी की। रेस शुरू होने से पहले सलमान खान का अरुणाचल प्रदेश में पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया गया। सीएम पेमा खांडू ने ट्वीट कर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सलमान का शुक्रिया अदा किया। वहीं किरेन रिजिजू ने भी सलमान के साथ साइकिल रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। लेकिन सलमान खान मिचुका फेस्टिवल में किरेन रिजिजू या पेमा खांडू के बुलावे पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनको इस फेस्टिवल में शामिल होने का निमंत्रण उनके नन्हे दोस्त मार्टिन रे ने दिया था, जो सलमान खान के साथ फिल्म ट्यूबलाइट में काम कर चुका है। माचुका फेस्टिवल के दौरान मार्टिन रे सलमान खान के साथ ही नजर आया। शूटिंग के बाद एक सलमान ने मुझसे कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश मुझे मिलने आएगा। फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान सलमान और मार्टिन की अच्छी दोस्ती हो गई। उसी दौरान मार्टिन ने सलमान को अरुणाचल प्रदेश की कुदरती खूबसूरती और माचुका फेस्टिवल के बारे में बताया था। अरुणाचल में क्या क्या? अरुणाचल गोल्डन पगोडा है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। 84% फॉरेस्ट।
84% forest hai wahan par and more than 600 different types of orchids. Orchids bhi hai? Haan. Har saal ek festival hota hai. बताया गया कि फिल्म भारत की शूटिंग के दौरान सलमान घायल हो गए थे, लेकिन मातिन से किया वादा निभाने के लिए वो घायल होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। तेलंगाना के मिर्चल में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य के विकास का भरोसा दिया, साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने का दावा किया। आंध्र प्रदेश के भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, खासकर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, उनके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली में आतंकियों के घुसने की खबर के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में 5 आतंकियों के घुसने के अलर्ट के बाद राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मियांवाली इलाके में बीते महीने नाले में जिस लड़की के शव मिलने का दावा किया गया था, उसके झारखंड में जिंदा मिलने के बाद पुलिस अब मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान युवराज सिंह से पहले उतरने को लेकर बताया कि वो मुरलीधरन समेत चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नेट्स में खेल चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दुनिया भर में अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को फ्रांस के पास दुनिया के दूसरे सबसे छोटे देश मोनाको में अगले साल 18 फरवरी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाएंगे। पहली पारी में 4 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल पर आईसीसी ने मेजबान बांग्लादेश के एक बल्लेबाज को टक्कर मारने पर दूसरे टेस्ट में खेलने पर बैन लगा दिया। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पठानकोट में 6 संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान तेज किया, साथ ही सेना के बेस कैंप और एयरफोर्स के ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की गई। रामलला के दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे आज अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन शिवसेना के 2000 कार्यकर्ता पहले ही राम की नगरी पहुंचे। विपक्ष ने सरकार पर अयोध्या में माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर फौज तैनात करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं नोटिस लेकर के गंभीरता से विचार कर करके चाहे उन्हें फौज लगानी पड़े। यूपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए संविधान को हाथ में लिया जा सकता है। गुरु नानक जयंती पर ननकाना साहिब में लगे खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर ने पंजाब में फिर से आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया। मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी रैली के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता से दूर कांग्रेस करवटें बदल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में आज प्रधानमंत्री मोदी मंदसौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सागर में रैली करेंगे। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार किए, जिनके पास से हथियार और 1,05,000 नकद मिला। पाकिस्तान के अपने ही पाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कराची में चीन के कंसुलेट पर हमले की साजिश रची थी। अफगानिस्तान में सैनिक बेस पर नमाज के दौरान हुए धमाके में 27 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हो गए।